साइंस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। 32 रंगीन पिस्टों में प्रकाशित हो रहे ओज़ोन टाइम समाचार पत्र की अपार सफलता के बाद YouTube पर हम लेकर आए हैं ओज़ोन टाइम्स न्यूज के नाम से ऑनलाइन न्यूज चैनल। इसी के चलते विभिन्न धर्मों के गुरुओं, वरिष्ठ राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और पाठक गणों से चैनल को ढेरों शुभकामनाएं मिली। आइए देखते हैं कि किसने क्या कुछ कहा। संचार क्रांति के युग में ओज़ोन टाइम्स यूट्यूब ऑनलाइन के द्वारा खबरों की एक नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अहिंसा विश्व भारती की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह आशा करता हूं कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाज के अंदर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का विकास और समाज में अहिंसा, शांति और सद्भावना का संदेश दूर तक जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार फिर ओज़ोन टाइम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ओज़ोन टाइम्स जो है वो अच्छा समाचार पत्र की तरह निकल रहा है और मैंने इसको कई बार देखा है। इसमें सभी महत्वपूर्ण जो खबरें हैं वो कवर्ड रहती हैं और अब ऑनलाइन ये भी शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आशीष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और जो इनका यूट्यूब चैनल 26 जून को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में शुरू हो रहा है तो आप सबसे भी मैं कहूँगा कि आप इसके साथ जुड़ें, ये इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है तो हम उसको पूरा करने के लिए हम सब एक मिलकर एक साथ होकर इस ओज़ोन टाइम्स के साथ में जुड़ें। ओज़ोन टाइम्स न्यूज़ जो एक प्रिंट अखबार के रूप में पिछले 4 वर्ष से चल रहा था, अब एक पोर्टल के रूप में यूट्यूब पे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के नाम से भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। भारतीय समाज के उत्थान के लिए, भारत के समाज के लोगों को उसकी संस्कृति की पहचान को बनाए रखने के लिए पॉजिटिविटी के रूप में जो ओज़ोन टाइम्स न्यूज़ काम कर रहा है, हमारी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 26 जून से पदार्पण कर रहे हैं और उसका एक भव्य कार्यक्रम आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रख रहे हैं जिसमें मुझे आपने निमंत्रण भी दिया है, मैं निश्चित रूप से आऊँगा। और वो भी आपका एक कदम इस प्रिंट मीडिया के साथ मिलकर मैं 2 नहीं 11 कदम बनेगा और निश्चित रूप से आगे बढ़ोतरी की ओर होगा समाज सेवा में, देश सेवा में और लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में आप उभरे हैं। मैं ओज़ोन टाइम न्यूज़ को बधाई देता हूँ। पिछले 4 वर्ष से जिस तरह से धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक और ज़मीनी हकीकत से लोगों को अवगत कराया है, मुझे उम्मीद है जो ओज़ोन न्यूज़ टाइम्स उसी तरह से यूट्यूब पर सभी चीज़ को ध्यान रखते हुए ज़मीनी हकीकत को अपने ट्यूब पर यूट्यूब पर चलाएंगे और हम लोगों को अवगत कराएंगे। बहुत बहुत मुबारक। ओज़ोन टाइम्स जो जनकपुरी से प्रकाशित होता है बहुत ही पॉजिटिव खबरों के साथ हम सबको मिलता है और अभी वो YouTube पर भी इसका प्रसारण प्रारंभ हो रहा है। मैं इस मौके पर, इस अवसर पर आप सभी को, दर्शकों को, उनके पढ़ने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा न्यूज़पेपर है। अब आपके द्वारा YouTube पर भी इसका प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज जनकपुरी की जनता की तरफ से ओज़ोन टाइम्स न्यूज़ जो अभी नई नई शुरू कर रहे हैं उसके लिए मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। और जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं, एक छोटी सी अखबार से एक बहुत बड़ी अखबार बनाई आपने और आज आप न्यूज़ चैनल लेके आ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह तरक्की करते हुए एक बहुत बड़ा चैनल बनाएं और ऑल टाइम न्यूज़ जो है दिल्ली के अंदर एक नाम लेके आ रहा है और पूरे हिंदुस्तान के लोग इसे देखें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज़माना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आप उसका फ़ायदा उठा करके प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी पत्रिका को ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हम भगवान जिनेंद्र से ये प्रार्थना करते हैं जैसी सफलता अभी आपको मिली है उससे भी ज़्यादा सफलता प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको मिले। आपने जो ओज़ोन टाइम्स अखबार शुरू किया उसके लिए भी मैंने शुभकामनाएं दी थी। अब यूट्यूब पे आप न्यूज़ जो शुरू कर रहे हैं उसके लिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें और इसके साथ साथ
किसी बड़े चैनल को शुरुआत करने की आपको मैं शुभकामना भाता हूँ। इन भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑल जोन टाइम्स एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करने जा रहा है और हम पर्सनली ऑल जोन टाइम्स से लास्ट 4 ईयर्स से हम जुड़े हुए हैं और हमने पर्सनली देखा है कि बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, स्पेशली जो मॉनिटरिंग एरियाज हैं उन पे जाते हैं, कवरेज करते हैं और काफ़ी लोगों को इन्होंने जोड़ा हुआ है अपने साथ और हम देखते हैं कि कितनी सक्षमता के साथ ये लोगों से मिलते हैं, हर जगह पर पहुँचते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। और न्यू चैनल जो ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने सुना है कि वीडियो चैनल ये यूट्यूब चैनल के थ्रू अब हमारे बीच में आने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसको इन्होंने चुना है और मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समाज की सेवा करेंगे। और ऑलरेडी आशीष जी ये काम कर ही रहे हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इनसे जो सीखने को मिलता है, जो हम देख रहे हैं किस तरीके से अखबार को रन कर रहे हैं, ये अपने आप में ही काबिले तारीफ़ है। तो हम भगवान से, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश से, इस्कॉन द्वारिका से हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे सफल रहें और इनके माध्यम से समाज आगे अग्रसर हो पाएगा, ज़्यादा बेहतर समाज बन पाएगा। धन्यवाद। ऑनलाइन का जो ये कार्यक्रम 26 जून को कर रहे हैं, मैं उनको उसके लिए अग्रिम बधाई देता हूँ और उसकी पूर्ण सफलता की काम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आशीष जी भविष्य में ऑल जोन टाइम्स को एक बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र को आप सभी का सहयोग मिल रहा है, उसी तरह से ऑल जोन टाइम्स न्यूज चैनल के प्रसारण को भी आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग मिलता रहेगा।